आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं FTR न्यूज चैनल। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संगारेड्डी के नाल साहब गड्ढे के तमाम बल्दिया वार्ड से में निर्मला जग्गा रेड्डी चेयरमैन इंडस्ट्री तेलंगाना व सदर कांग्रेस जिला ने हाफिज शेख शफी सीनियर कायद कांग्रेस पार्टी के हमरा इंतखाबी मुहिम में शिरकत करते हुए आवाम से मुलाकात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तदार में आएगी तो राहुल गांधी वजीर आजम बनेंगे और कांग्रेस पार्टी का वायदा है कि गरीब खानदान के हर खातून को 1 लाख रुपए सालाना और 30 लाख मुल्क में खाली जायदादों पर भर्ती की जाएगी। गरीब तबके के मसाइल को हल करने के लिए काम किया जाएगा। इन्होंने नीलम मधु उम्मीदवार कांग्रेस हल्के पार्लियामेंट मेदक को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। एमपी का इलेक्शन मेन असल वो है, ये दे दो मैडम। आप सबको बोलना कांग्रेस पार्टी को मैं क्या 3 కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాలని తపనతో ఉన్నారు ప్రజలందరూ కూడా. దయచేసి ఇంకా ఎవరైనా కూడా ఇంకా ఆలోచన రాకపోతే ఆలోచించండి. మరి రాష్ట్రంలో ఏ 6 గ్యారెంటీలు ఎలా ముందుకు తీసుకొస్తున్నామో ఇంకా మిగిలినవి మేము ఎలక్షన్ తర్వాత తప్పకుండా చేస్తాం. మాట ఇస్తే తప్పని పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు వస్తే మరి ప్రధానమంత్రి అవుతే మరి మహిళలకి సంవత్సరానికి 1000 రూపాయలు घर में सबको बोल के कांग्रेस को वोट देना ठीक है ना मतलब बोलो आवाज से बोलो सेंट्रल 30 लाख जॉब प्रति संवस 2 लाख राष्ट्र अभी कांग्रेस पार्टी भविष्य देखो मैं बोल तो सुनो मैडम का एक ही मकसद है कि राहुल गांधी को PM बनाना, मेदेक से जो है सो नीलम मधु को MP बनाना तो नहीं थे रहे। लेकिन फिर भी क्या है बोलते सो राहुल गांधी और कांग्रेस गवर्नमेंट लाने के लिए मैडम मेहनत कर रहे। कांग्रेस गवर्नमेंट है तो अपना भला होता, अपना फायदा होता, नौकरियाँ होते, अमन चैन सुकून पीसफुल सब रहता, ठीक है ना। तुम लोग अभी मेहनत करना ठीक है। चलो मारो वीडियो मारो जी चलो मेरे पास निशान को।
గాని సమిలా గాని సమిలా